सब्सक्राइब कीजिए टेकजी 99 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ पोको X5 Pro 5G। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसका एक अनबॉक्सिंग और यहाँ पे एक फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ कि स्मार्टफोन यहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों आने वाले समय में इसका एक फुल रिव्यू भी आएगा और गेमिंग रिव्यू वगैरह भी आएगा, तो दो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स यहाँ पे येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यहाँ पे जो बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स पूरा ब्लैक कलर का है और यहाँ पे पोको X5 Pro यहाँ पे येलो टेक्सिंग के साथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है पोको X5 Pro 5G और दोस्तों यहाँ पे पोको का ब्रांडिंग है और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलता है। और इस साइड में बात किया जाए इस साइड में भी दोस्तों पोको X5 Pro लिखा हुआ मिलता है और इस साइड में भी सेम है दोस्तों। और दोस्तों इस साइड का बात किया जाए इस साइड में आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है मेड इन इंडिया लिखा मिलता है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चर वगैरह हुआ है ये इंडिया में ही हुआ है। और यहाँ पे सार वैल्यू वगैरह भी मेंशन है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हैं दोस्तों, जो काफी ज्यादा लिखा मिलता है, ये हायर वेरिएंट है दोस्तों, 8GB 256GB वेरिएंट है। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइसिंग अभी करेंटली फ्लिपकार्ट में चल रहा है, यहाँ पे 25,000 चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा ही है। और पीछे का बात किया जाए, पीछे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कुछ मेन जो टेक्निकल हाइलाइट्स है वो लिखा मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 120Hz यहाँ पे डॉल्बी विजन डिस्प्ले मिलता है। और दोस्तों इसका जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है और यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G आपको 5G प्रोसेसर मिलता है इस फोन में, जो दोस्तों बेस्ड है यहाँ पे 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। और यहाँ पे 67 वाट का आपको एक टर्बो चार्जिंग मिल रहा है और यहाँ पे जो है 5000mAh का बैटरी। और बाकी कुछ जो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हैं आप, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा एक एक करके। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन इंडिया मेंशन है और यहाँ पे फिर से देख सकते हैं वेरिएंट यहाँ पे 8GB 256GB मेंशन है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो पहले ही दोस्तों मैंने इसका सील जो है वो कट कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा इसका चेक करना था, इसलिए मैंने इसका सील जो है वो पहले ही चेक कर लिया था। तो अभी बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं बॉक्स में आपको क्या मेन बॉक्स कंटेंट मिलता है। तो सामने खोलते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको का ब्रांडिंग है और यहाँ पे इसे देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो सिम इजेक्टर टूल है वो मिलता है और यहाँ पे जो केस है दोस्तों CPU केस वो मिलता है। तो केस का क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। और यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है दोस्तों यूजर मैनुअल, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। और ये है दोस्तों अंदर मेन हैंडसेट, तो इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे 67 वाट का जो चार्जर है दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो चार्जर काफी बड़ा है दोस्तों, काफी बल्कि है देख सकते हैं, तो 67 वाट के हिसाब से दोस्तों ठीक ही है दोस्तों चार्जर का साइज। और दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो चार्जिंग केबल है दोस्तों, यहाँ पे USB Type C का जो यहाँ पे USB Type A टू USB Type C का जो चार्जिंग केबल है वो आपको मिलता है, तो ऐसा कुछ है। तो इस सब को दोस्तों साइड में रखते हैं और मेन हैंडसेट को यहाँ पे देखते हैं। तो मेन हैंडसेट को ओपन कर लेता है दोस्तों, तो ये है दोस्तों यहाँ पे मेन हैंडसेट, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोन का दोस्तों इन हैंड फील है दोस्तों काफी बढ़िया है दोस्तों, फोन काफी लाइट वेट है और यहाँ पे जो इसका जो थिकनेस है दोस्तों ये काफी कम है दोस्तों, जो इन हैंड जो फील है काफी प्रीमियम आ रहा है। और पीछे यहाँ पे जो है पीछे का बैग दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक बैग है, पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन दोस्तों बैग काफी प्रीमियम है दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिक ये फील नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है आपको, यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फ्लैश है और यहाँ पे पोको का ब्रांडिंग है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड का बात किया जाए इस साइड में देख सकते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन रॉकर है और यहाँ पे पावर अनलॉक बटन है। तो दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पे डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे इन डिस्प्ले नहीं है दोस्तों, पावर बटन में ही दोस्तों यहाँ पे इनबिल्ट है। और नीचे का बात किया जाए नीचे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे USB टाइप सी है और नीचे यहाँ पे माइक्रोफोन है और यहाँ पे जो सिम ट्रे है वो मिलता है, सिम ट्रे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ऊपर की बात किया जाए ऊपर देख सकते हैं ऊपर भी एक स्पीकर है क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है डॉल्बी एटमॉस के साथ। और दोस्तों ऊपर यहाँ पे IR प्लास्टर भी मिलता है और नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाता है,
तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी में कोई तो इशू नहीं है, कनेक्टिविटी में काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल जो इन हैंड फील है दोस्तों इस फ़ोन का काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फ़ोन का यहाँ पे प्री अप्लाइड है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है, यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी है फ़ोन में, और सामने यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको एक सेल्फी शूटर मिल जाता है, और ऊपर यहाँ पे जो ईयरपीस वगैरह है वो मिलता है। तो चलिए फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं यहाँ पे फ़ोन का इंटरफेस कैसा है। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे ये फ़ोन सेटअप हो रहा है तब तक इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.67 इंच का एक 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और ये दोस्तों आपको 10 बिट कलर पैनल मिलता है, और यहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है डिस्प्ले में, और दोस्तों यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का आपको एक प्राइमरी कैमरा मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है। और प्रोसेसर की बात किया जाए यहाँ पे प्रोसेसर में दोस्तों स्नैपड्रैगन 778G का आपको प्रोसेसर मिलता है, और दोस्तों आपको यहाँ पे LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज में दोस्तों यहाँ पे UFS 2.2 स्टोरेज है, और बाकी स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ़ोन को मैंने पूरी तरह से यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो दोस्तों यहाँ पे इसका मेन हाईलाइट है, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, जो यहाँ पे नोटिस होता है। दोस्तों आप यहाँ पे कैमरा के थ्रू देख रहे हैं इसलिए शायद यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे फील नहीं होगा, लेकिन जब इसे रियल लाइफ पे आप यूज़ करेंगे इसका जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी बढ़िया है, और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले का कलर एक्यूरेसी वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 बिट कलर पैनल मिल रहा है डॉल्बी विजन के साथ, वो आपको यहाँ पे नोटिस होता है। और दोस्तों यहाँ पे आप प्री इंस्टॉल ऐप्स का बात किया जाए तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल ऐप्स नहीं है, कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह है जो प्री इंस्टॉल है, और यहाँ पे मॉच करके ऐप है, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, ये अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, लेकिन आप इसे सिंपली यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसे हटा सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फोन का जो ओवरऑल इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम में दोस्तों, यहाँ पे जो पीछे है, पीछे दोस्तों यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, लेकिन दोस्तों जो इसका पॉलीकार्बोनेट है वो काफी प्रीमियम लेवल का पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे यूज किया गया है, और यहाँ पे जो फिनिश है दोस्तों यहाँ पे मैट फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐसा नहीं आएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो कैमरा का लेंसेज वगैरह है वो भी काफी यहाँ पे प्रीमियम फिनिश के साथ है, यहाँ पे काफी प्रीमियम लेवल का यहाँ पे जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे की बात किया जाए, नीचे यहाँ पे जो सिम ट्रे है वो मिलता है, तो सिम ट्रे का बात किया जाए, सिम ट्रे यहाँ पे हाइब्रिड ही मिलता है दोस्तों, आपको कोई डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। तो सिम ट्रे का बात किया जाए तो इस तरह का है कुछ दोस्तों, यहाँ पे इस तरफ है सिम 1, इस तरफ है सिम 2 दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोटेक्टिव भी यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे जो येलो कलर का आप स्ट्रिप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये IP53 रेटिंग के साथ आता है इसलिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाया गया है कि पानी इसके अंदर नहीं जाए इसलिए। तो ओवरऑल जो इसका फीलिंग है दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लेवल का है, और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, इसमें दोस्तों आपको कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है, इसमें ये थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया है, इसमें दोस्तों आपको एक पावर बटन में डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वो भी काफ़ी फास्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी फास्ट और रेस्पॉन्सिव है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का है। और इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी फास्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट है, तो कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन पैनल का बात किया जाए तो नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी कुछ इस तरह का है, इस साइड में आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह का फीचर मिल जाएगा ऑन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में आप चले जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका अबाउट फोन है तो आउट ऑफ द बॉक्स ही दोस्तों यहाँ पे MIUI 14 के साथ आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 का ही सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे MIUI 14 होने के बावजूद भी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है दोस्तों देख सकते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 12 भी मिलेगा यहाँ पे, तो एंड्रॉयड 13 होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता, तो इसमें आपको दो एंड्रॉयड का अपडेट और भी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो सिक्योरिटी पैच वगैरह आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनवरी का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे अपडेटेड है लास्ट, और स्टोरेज लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे 256 GB वेरियंट है दोस्तों, ये हाइस्ट वेरियंट है, इसमें दोस्तों आपको 229 GB यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइड है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा कुछ इस तरह का ही है, और इसमें आपको डायनेमिक रैम वगैरह का भी सपोर्ट मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये वेरिएंट है ये 8GB वेरिएंट है दोस्तों। फिर भी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन है, यहाँ पे जो वर्चुअल रैम का जो फीचर है, यहाँ पे आपको 3GB वर्चुअल रैम आउट ऑफ द बॉक्स ही यहाँ पे ये प्री इंस्टॉल है। इसे आप 5GB तक बढ़ा सकते हैं जो वर्चुअल रैम का जो फीचर है, और चाहे तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसके साउंड क्वालिटी का बात किया जाए, यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है डॉल्बी एटमोस के साथ, ऊपर एक है और नीचे एक है, देख सकते हैं दोस्तों, बॉटम फायरिंग और टॉप फायरिंग स्पीकर आपको मिलता है। तो यहाँ पे इसका साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्ले करके भी सुना देता हूँ। यहाँ पे जो इसका साउंड है काफ़ी लाउड है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट्स है, यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट, प्रॉपर जो स्टीरियो इफेक्ट है वो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा यहाँ पे प्ले करके भी सुना देता हूँ, इसका जो साउंड है बहुत ही लाउड है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फुल साउंड है, तो साउंड आप सुन सकते हैं काफी लाउड है। तो साउंड जो है काफ़ी लाउड है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे जो परफेक्ट सेपरेशन है स्टीरियो का वो भी आप फील कर पाएंगे। तो आप कैमरा के थ्रू सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा यहाँ पे आप फील नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आप रियल लाइफ में सुनेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो सेपरेशन है यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट का वो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले का यहाँ पे रिफ्रेश रेट वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसे आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्रेश रेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसे आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आप कस्टम में 60 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया एक है दोस्तों। और इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों आपको प्रीसेट मिल जाएगा, और ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं दोस्तों ये डायनामिक है दोस्तों, ये टाइम के हिसाब से यहाँ पे चेंज होता है दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों इसका जो यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर का जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसका जो हैप्टिक फीडबैक का लेवल है उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अलग से एक नया फीचर यहाँ पे है हैप्टिक फीडबैक करके, इसका जो लेवल है इसे आप एडजस्ट कर पाएंगे तो कितना चाहिए आपको इसका हैप्टिक फीडबैक लेवल। तो ये काफ़ी बढ़िया है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने यहाँ पे नोटिस किया। और दोस्तों इसका जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो तो अभी तक मुझे यहाँ पे ठीक ही लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है इसका कनेक्टिविटी। और दोस्तों यहाँ पे अभी इसका कैमरा का बात किया जाए कि फर्स्ट इंप्रेशन में कैमरा इसका कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे सैमसंग का सेंसर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल, और दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो मिलता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो कैमरा मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पे जो इसका कैमरा है वो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, आप नाइट शॉट भी देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे इंडोर शॉट्स वगैरह भी है। तो आने वाले समय में दोस्तों इसका इन डेप्थ तक कैमरा रिव्यू भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बाकी इसका जो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस का बात किया जाए, तो बैटरी परफॉर्मेंस तो मुझे अभी ठीक ही लग रहा है, तो अभी मैंने इसको इनडेप्थ उतना ज़्यादा चेक नहीं किया है, तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इसका एक इनडेप्थ रिव्यू आने वाला है। और इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे गेमिंग रिव्यू भी आने वाला है, तो आप देखने के लिए ज़रूर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में इसका बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आने वाला है कि यहाँ पे फ़ोन कैसा है, और इसका ओवरऑल जो डेप्थ इनडेप्थ रिव्यू है वो भी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन तो फ़ोन तो काफ़ी इंप्रेसिव है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे लगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसका एक इन डेप्थ रिव्यू आने वाला है, तो जो देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स से बोल सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा यहाँ पे एक सेकंड चैनल भी है, तो उस चैनल में आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है, तो उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कीजिए, आपको और पसंद आता है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, नमस्कार।